लास्ट नहीं है, लास्ट से लास्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी, वो ये हमेशा खो जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इरा, और टुडे आई एम 38 वीक्स 2 डेज प्रेग्नेंट। वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज अब तो इट्स जस्ट द लास्ट लेग ऑफ माय प्रेगनेंसी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट माय बेबी। तो उसके लिए आई वांटेड टू शेयर दिस वीडियो। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में आपसे अपने लेबर टूल किट के बारे में बात की थी, हॉस्पिटल बैग वाले वीडियो में, तो मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगी। उसे मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक लेबर टूल किट ले जा रही हूँ, तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मेरे लेबर टूल किट में क्या क्या है। लेकिन इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको लेबर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो होगा वो तो वहाँ पे होगा, डिसाइड होगा कि नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है, और जो भी होता है वो मदर और बेबी की हेल्थ के लिए बेस्ट डॉक्टर करते हैं। लेकिन अगर हम एम कर रहे हैं एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं। तो लेबर के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है अर्ली लेबर। अर्ली लेबर में कुछ चीज़ें आपके काम आ सकती हैं, जो थोड़े बहुत, जब बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, कम पेन होता है, इनिशिएशन होता है लेबर का, उस समय आप अगर हॉस्पिटल में हैं तो कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हैं और आपके लेबर को थोड़ा स्मूथ बना सकती हैं। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई शो यू व्हाट इज़ इन द लेबर टूल किट बैग। सबसे पहले मेरे लेबर टूल किट बैग में एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो इसमें बहुत सारे टाइप के होते हैं। मैं लैवेंडर एसेंशियल ऑयल कैरी कर रही हूँ। इसकी कभी कभार जब आप लेबर में हैं तो स्टार्टिंग लेबर में पेन हो रहा है, बीच में कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में आप इसको थोड़ा स्मेल कर सकते हैं, और इंस्टेंटली वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, आपको थोड़ा हेड को रिलैक्स करता है, काफ़ी रिलैक्सिंग फील कराता है। क्योंकि उस टाइम हम काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हमें ऑब्वियसली हम रिलैक्स तो फील करेंगे नहीं। इनफैक्ट जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम अपनी सांस भी रोकते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हमें अपने आप को उस स्ट्रेस से दूर करने के लिए, या बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें रखें जो हमें रिलैक्स करें, दैट बी रियली हेल्पफुल कि हम नया नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन और लेबर के जो आगे आने वाले स्टेजेस हैं जो और टफ होते हैं और हार्ड होते हैं, उनको अच्छे से डील कर पाएंगे। तो ये एसेंशियल ऑयल्स काफ़ी हेल्प करते हैं, मूड अपलिफ्ट करते हैं और आपको थोड़ा सा हैप्पी करते हैं। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट अरोमास और एसेंशियल ऑयल्स, ये मेरे पास एक कपूर की डिब्बी है जो मैंने रखी है, और ये डिफ्यूज़र है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट कभी कभार क्या होता है कि जो अरोमा होता है, कोई भी ऐसा अरोमा जो आपको रिलैक्स करता है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं अपनी स्मेल या जो अरोमा आप चाहते हैं। जैसे अरोमा थेरेपी होती है या मसाज थेरेपी होती है, वो नॉर्मली जब हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं और कराते हैं तो भी हमें काफ़ी रिलैक्स करती है। तो इन केस ऑफ लेबर इट्स द सेम थिंग, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप टेंस्ड हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स दैट वी विल एवर डू इन आर लाइफ। तो मे बी दीज थिंग्स विल हेल्प अस। तो इससे अरोमा थेरेपी से आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपका एनवायरनमेंट पीसफुल होगा, आप लाइट्स डिम कर सकते हैं उस टाइम पे एंड इसको स्मेल कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, कैंडल्स जला सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मसाज ऑयल। अभी मेरा ख़त्म हो रखा है क्योंकि ये ऑयल मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, ऑब्वियसली मैं इसको रीफिल करूँगी, ये मैं फ्रेशली बनाती हूँ। अगर आपको इसका डिटेल्स चाहिए कि कौन सा मसाज ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं टू रिलीव ऑल द पेन्स, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँगी। बट ये ऑयल क्या करता है कि जो आपका बर्थ पार्टनर हो, या आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, एनी वन दैट यू आर कम्फर्टेबल विद, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, तो वो आपको हल्की हल्की मसाज दे सकते हैं इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ लेबर। इसका रीज़न बहुत साइंटिफिक है। जब हम टच करते हैं किसी को, या हग करते हैं या कडल्स करते हैं, तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। वो हार्मोन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करता है, वही कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके बेबी को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये कडल्स, हग्स, मसाजेस से निकलता है। तो अगर आपके साथ कोई है ऐसा इंसान जो आपका बर्थ पार्टनर है, वो आपको अगर इस टाइप की मसाज देगा, तो वो ना ही नॉट ओनली आपको रिलैक्स करेगा, बट ऑल्सो आपको साइंटिफिकली हॉर्मोन्स से हेल्प करेगा टू मेक दोज कॉन्ट्रैक्शंस कम फास्टर एंड यूज़ योर कॉन्ट्रैक्शंस इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। नेक्स्ट इज़ अ कोम्ब। तो ये आपको लेटेस्ट स्टेजेस में काफ़ी काम आएगा लेबर के, जब हमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जैसे ये बाम एक्ट करता है या कोई काउंटर इरिटेंट एक्ट करता है कि आपको वहाँ पे, जब आप उसको वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो एक सेंसेशन क्रिएट होता है, तो आप नॉर्मल पेन को थोड़ा भूलकर इस सेंसेशन पे ध्यान देते हैं।
तो वैसे ही अगर आपको लेबर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो आप कोम्ब को दबाते हैं तो किसी जैसे आप किसी का हाथ भी पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो किसी का हाथ में इंजरी भी हो सकती है. तो इसलिए ये कोम्ब भी एक तरीका है जस्ट टू लाइक प्रेस इट अगेंस्ट योर हैंड, और यहाँ पे आपको वो हल्का सा पेन फील होगा तो यहाँ के पेन से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है. तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग. नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा फ़ोन. इसमें मेरे पास दो तीन चीज़ें हैं. फर्स्ट इज़ अ प्लेलिस्ट. इस प्लेलिस्ट में आप कुछ भी रख सकते हैं. कुछ लोग बर्थ अफर्मेशंस रखते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि यस आई कैन डू इट, मोटिवेशनल थिंग्स, जो भी आपको मोटिवेट करे. मंत्र रख सकते हैं, बहुत सारे मंत्रों का एक अमेलगमेशन रख सकते हैं जो आपको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड देगा. ये सब ज़रूरी नहीं है, बट ये सब बस एक तरीके हैं टू मेक योर गोल, मेक यू रीच योर गोल फास्टर एंड इन द बेस्ट वे पॉसिबल, एंड जस्ट लव योर बर्थ एक्सपीरियंस. तो इसमें मेरे पास एक ऐप है जिसमें मैंने सारे सॉन्ग्स अपने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, एंड आई लिसन टू इट. मंत्र मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं जो मुझे उस समय ज़रूरत होगी. इसके साथ मुझे ईयरफोन्स रखने हैं बस, ताकि मैं उसको अच्छे से सुन सकूं. एंड कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटरिंग ऐप आप रख सकते हैं ताकि आपको अपने कॉन्ट्रैक्शंस का थोड़ा पता चले. वैसे तो वो डिवाइस वहाँ पे हॉस्पिटल में रहेगा और वो आपकी बॉडी से कनेक्ट कर देंगे और आपको बताते रहेंगे. इट विल बी अ वेरी गाइडेड प्रोसेस. आपको बताया जाएगा कि कब आपका कॉन्ट्रैक्शन पीक कर रहा है, कब क्या हो रहा है. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस हॉट वाटर बैग. ये तो मेरे लेबर टूल किट में आया नहीं, पर ये मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में ही रखा हुआ है. ये क्या करता है, जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो ऑब्वियसली मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम कुछ हीटिंग पैड या उस टाइप के लगाते हैं. तो ये उसके लिए है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है और कहीं भी प्लग इन हो जाता है. तो एक पोर्टेबल भी है और बहुत ईजी है, आप उसको घर में, हॉस्पिटल में, कहीं भी प्लग कर सकते हैं. हाँ, जो भी करिए आप अपने हॉस्पिटल में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से कंसल्ट करके करिए, क्योंकि हर स्टेज में लेबर के ये काम नहीं आएगा. कुछ स्टेज में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपको एक्टिवली पुश करना होगा इन द लास्ट स्टेजेस ऑब्वियसली, बट ये स्टार्टिंग में है जब वीक कॉन्ट्रैक्शन हैं तो आपको बस दर्द हो रहा है, तो यू कैन जस्ट यूज़ इट टू रिलीव योर पेन. नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सिपर या फिर एक बॉटल जिसका पतला सा बॉटल नेक हो और पतला सा माउथ हो, ताकि आप उसको आराम से सिप कर सके. या फिर आप स्ट्रॉ वाला सिपर भी रख सकते हैं, क्योंकि लेबर में बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है थ्रू स्वेटिंग, और आप डिहाइड्रेटेड फील करते हैं. तो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास वाटर हो और आप हाइड्रेटेड रहे, बिकॉज दैट इज़ गोना हेल्प यू. सो टॉकिंग अबाउट डिहाइड्रेशन, आपने मेरे पहले वीडियोज़ भी देखे होंगे. आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैसलीन. वैसलीन या कोई भी लिप बाम या कोई भी लुब्रिकेंट जो आपके होठों को थोड़ा सा सॉफ्ट या मॉइस्ट रखे, क्योंकि बहुत प्यास लगती है तो, और डिहाइड्रेशन बहुत होता है क्योंकि पसीना बहुत निकलता है, गर्मी लगती है, तो उसके लिए वैसलीन आपके काम आएगी काफ़ी. तो आप उसको अपने लेबर टूल किट का पार्ट बना सकते हैं. ऑल्सो ये तो टॉपिकल एप्लीकेशन है, वाटर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वाटर तो पीना ही है. सो कंटिन्यूइंग विद द डिहाइड्रेशन, स्वेटिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बहुत गर्मी लगती है तो बाल चेहरे पे नहीं आने चाहिए, क्योंकि और इरिटेशन होता है क्योंकि पसीना आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, दर्द भी हो रहा है, और हमें करना भी है ये, क्योंकि इसको यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत अच्छे से फिनिश करके छक्का मार के आना है. तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम कम्फर्टेबल रहें, और कम्फर्टेबल हम तब रहेंगे जब हमें अनोइंग चीज़ें इरिटेट नहीं करेंगी, लाइक नॉट हैविंग हेयर ऑन योर फेस और योर हेयर पुल्ड बैक अप, ताकि आपको गर्मी ना लगे और बाल बॉदर ना करें. हेयर टाइज रखना लेबर टूल किट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ये हमेशा खो जाते हैं, कितने भी रखूँ मैं ये इधर उधर खो ही जाते हैं. तो एक्सेस रहेंगे, एक्स्ट्रा रहेंगे तो अच्छा रहेगा. नेक्स्ट इज सम स्नैक, हेल्दी स्नैक. तो मैंने इसमें नट्स रखे हुए हैं, आप कुछ शुगर कोटेड कैंडीज वगैरह भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको मतलब क्योंकि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ या कुछ उस टाइप की चीज़ें हैं तो आप शुगर कोटेड कैंडीज़ नहीं रख सकते, नट्स रख सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ कंडीशन कि कौन सा स्नैक आपके लिए सूटेबल है आप रख सकते हैं, क्योंकि वी डोंट नो कि लेबर कितना लंबा चलेगा. कुछ लोगों का छोटा होता है, बाय गॉड्स ग्रेस आई विश कि हम सबका छोटा हो, शॉर्टेस्ट लेबर, क्विकेस्ट डिलीवरी, सेफेस्ट डिलीवरी एंड हेल्दी बेबी. बट अगर लंबा चलता है तो उस केस में आपके पास यू शुड बी प्रिपेयर्ड. तो कुछ स्नैक होने चाहिए जो आप क्विकली खा सकें, ताकि आप थ्रू आउट द लेबर प्रोसेस आपके पास वो एनर्जी रहे
कि आप उसे एंड तक एग्जीक्यूट करने में एनर्जेटिक फील करें. तो सम स्नैक. नेक्स्ट इज स्नैक के कंटिन्यूएशन में ही आप कुछ ये ओरल रिहाइड्रेशन सिरप है, लेकिन आप ग्लूकोज या फिर कोई जूसेस कुछ भी ऐसा रख सकते हैं जो आप थोड़ा सा पानी में मिक्स करके पिए, ताकि आपको एनर्जी आए और फ्लूइड डिहाइड्रेशन लॉस में भी हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज़ द आई मास्क. ये सब एसेंशियल नहीं है, बट ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी जस्ट इन केस. यूजली कई बार लेबर रात में शुरू होता है, पेन्स कॉन्ट्रैक्शंस, और आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती है यूजली प्रेगनेंसी के लास्ट लेग में और लास्ट ट्राइमेस्टर में. तो आई डोंट थिंक सो किसी की ही नींद पूरी होती होगी, तो हम सभी स्लीप डिप्राइव्ड रहते ही हैं. तो आप एक आई मास्क रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि बस रोशनी बॉदर करती है, मुझे नहीं लगता कि नींद आएगी उस टाइम पे. ऑल्दो लोग कहते हैं कि थोड़ी सी नैप लेने की कोशिश करें, करना चाहिए, बट मुझे पता नहीं कि नींद आएगी कि नहीं आएगी. बट डेफिनेटली मैं अपनी आईज़ को ब्लॉक कर सकती हूँ, उनको फोर्स रेस्ट दे सकती हूँ ताकि रोशनी ना आए और मैं इधर उधर क्या हो रहा है वो सब ना देखूँ. और जस्ट लाइक टू कॉन्सेंट्रेट, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, अपनी आँखें बंद करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ब्लॉक करते हैं ताकि हम अपने अंदर फोकस कर सकें चीज़ों को और सही डायरेक्शन में अपनी बॉडी को ले जा सकें. उसके लिए आई थिंक आई मास्क इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सम नाइस वाइप्स. तो ये थोड़ी हाइड्रेटिंग एलोवेरा और विटामिन ई की वाइप्स हैं जो मैंने रखी हुई है, क्योंकि स्वेटिंग होती है तो आपका पार्टनर आपको हेल्प कर सकता है स्वेट पोछने में, या डॉक्टर या नर्स जो भी आपके साथ हो. आप खुद भी कर सकते हो इन केस यू हैव इट हैंडी, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. ऑल्सो ये थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देगा क्योंकि इसमें एलोवेरा है. तो क्योंकि प्रेगनेंसी में स्पेशली लेबर में के टाइम पे बॉडी टेम्परेचर काफ़ी फ्लक्चुएट करता है प्रेगनेंसी में, लेबर में तो आपको बहुत गर्मी लगती है, तो ये थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी देगा जब आप इससे वाइप करेंगे, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू फील अ लिटिल बिट बेटर. सो नेक्स्ट इज अ स्क्वीज क्लॉथ. तो ये एक बैंड टाइप का है जिसे आप अपने कमर के नीचे या फिर हिप्स पर बांध कर ऐसे करके उसको खींच सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो थोड़ा हिप्स को प्रेस करता है क्योंकि पेल्विक पे काफ़ी प्रेशर आता है. तो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में आप उस दर्द को, जैसे हम किसी का पैर दबाते हैं ना जब दर्द होता है, या हाथ दबाते हैं, सर दबाते हैं, इट्स इन द सेम वे आप हिप्स दबा रहे हैं. तो आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मसाज कर सकते हैं, या फिर एक क्लॉथ को लेकर भी ऐसे बांध के जैसे हम लोग पहले पैर पे बांधते थे. हाँ, ये सब आप अपने डॉक्टर की प्रेजेंस में करिए, गाइडेंस में करिए, उनसे पूछ के करिए, तो बस आप इसको राइट तरह से यूज़ करेंगे तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू. और एक लास्ट चीज़ है जो कि लास्ट नहीं है, लास्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊँगी, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है कि लेबर के टाइम में कुछ बर्थ वॉल एक्सरसाइजेज होती हैं अर्ली लेबर में. एम्फसाइज करिए मैं अर्ली लेबर में, क्योंकि लेट लेबर में या फिर दूसरे स्टेजेस में आपको डॉक्टर बताएंगे और वही करना है. अर्ली लेबर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने पेल्विक प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए, और कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो आपके पेन को रिलीव करने में हेल्प करेगी. वो आप फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी और जिस भी टाइप की हो, कभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए डेफिनेटली. और वैसे भी उनमें तो सी सेक्शन होता है, बट इन केस आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप बर्थ वॉल यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी सारी, इसमें काफ़ी सारी ऐसी पोजीशंस है बर्थ वॉल पे जो लेबर को हेल्प करती हैं, पेल्विक गर्डल को ओपन करने में और बेबी को लाने में भी हेल्प करती हैं, तो वो आप देख सकते हैं. लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड माई फेवरेट थिंग इज़ योर पार्टनर. आप उनको बैग में नहीं कैरी कर सकते, बट उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. Whoever is your partner, birth partner, for me it will be my husband. आपके केस में आपकी मदर भी हो सकती है, मदर इन लॉ, सिस्टर, एनी बडी. तो दे आर गोना मेक दिस प्रोसेस ईजियर फॉर यू. दे आर, वो आपके साथ रहेंगे, मे बी जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ अ हैंड आपको कम्फर्ट दे सकता है, कुछ अच्छे वर्ड्स बोलना कम्फर्ट दे सकता है. तो मेक श्योर करिए कि उनको पता हो इन सारी चीज़ों को, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, आपको कौन सी चीज़ें अच्छा फील कराती हैं, तो वो उनको सही से यूज़ कर पाएंगे. और जस्ट उनका होना ही वहाँ पे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा. सो डेफिनेटली योर बर्थ पार्टनर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल द थिंग्स. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. मैं और भी प्रेगनेंसी रिलेटेड, अपनी जर्नी रिलेटेड वीडियोज शेयर करूंगी आपके साथ. एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ वेरी सेफ डिलीवरी. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.